वन गुड न्यूज़ वन नॉट सो गुड न्यूज़। पहले गुड न्यूज़ की बात करते हैं। अगर कोई फ्लू का पेशेंट है, कोविड लाइक सिम्टम जिसे बोलते हैं, ऐसे पेशेंट जो पहले सिम्टम के साथ ही अगर उसको उठा के इस तरह के बाथटब में बिठा दें, दिस कॉल्ड ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड टाइट सिस्टम, यानी कि ग्रैड डायलिसिस टब बोलते हैं, इस तरह टब में बिठा देते हैं, तो हमने ये देखा विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, एक दिन के अंदर ही उसके सिम्टम वैनिश हो जाते हैं, ठीक हो जाता है पेशेंट। ठीक इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, जब वो पेशेंट्स एक घंटे के लिए इस टब में बैठते हैं, तो एक घंटे के अंदर ही उनका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, यानी कि उनकी मजबूरी हो जाती है कि विद इन द फर्स्ट डे उनको अपनी दवाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं या ग्रेट एक्सटेंट तक टेपर डाउन करनी पड़ती है। जो कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो लोग जो मॉर्फिन लेते हैं उसके बाद भी पेन नहीं जाता, मॉर्फिन की जगह ऐसे पेशेंट्स को जब हम इस तरह के टब में बिठाते हैं, एक घंटे के अंदर ही उनके बॉडी में पेन किलिंग इफेक्ट आने लगता है, उनका कैंसर कंट्रोल में आने लगता है, उनको आराम मिलने लगता है। जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं, जिनको ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया है, उनको हम इस तरह के टब में, दिस कॉल्ड ग्रैड टब में हम बिठाते हैं फॉर 2 आवर्स, तो उनकी रिक्वायरमेंट फॉर डायलिसिस वो अधिकतर पेशेंट की ख़त्म हो जाती है, कुछ पेशेंट्स की बहुत कम हो जाती है। सो और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो। और अभी तक पिछले कुछ महीनों में मोर देन 1000 ऐसे पेशेंट्स जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, लेकिन अब बिकॉज ऑफ दिस न्यू इन्वेंशन, ये नए खोज की वजह से नाउ दे आर डायलिसिस फ्री। तो ऐसे पेशेंट्स में से 200 ऐसे, कम से कम 200 ऐसे वीडियोज़ हैं जो टेस्टिमोनियल्स हैं, जो आप चाहे तो अभी coronakaal.tv/dialysisfree में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से पहले उनकी ज़िंदगी थी और अब ज़िंदगी क्या है, बल्कि उन्होंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ये सब कुछ अगर आपको सीखना है या किसी को सिखाना है तो आपके लिए आसान है। उसके लिए यू कैन रीड द बुक 360 डिग्री पॉस्चुरल मेडिसिन। ये बुक bishroop.com/360degree में जाके हिंदी इंग्लिश में फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हुई अच्छी बात, अब आती है नॉट सो गुड न्यूज़। आप में से बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे ऊपर बहुत सारे केसेस हो गए हैं, FIR हो गए हैं, केसेस रजिस्टर्ड हो गए हैं, इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उधर दिल्ली मेडिकल काउंसिल, उधर हरियाणा मेडिकल काउंसिल, चारों तरफ से अटैक में है और हम बड़े ही मुश्किल सिचुएशन में इस वक्त है। आप में से बहुत सारे वेलविशर्स, आप में से बहुत सारे पेशेंट्स, आप सबके लगातार मेल आ रहे हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, और आप लोग हमें बोल रहे हैं कि कोई मदद की ज़रूरत हो तो हम साथ में हैं आपके। देखिए, इंसान की फिक्र करना छोड़िए, इंसानियत की फिक्र कीजिए, और अगर आप इंसानियत की फिक्र करते हैं तो एक काम कीजिए, ये जो नया खोज है, नया इन्वेंशन है, ये हर एक इंसान तक पहुंचाइए। सबसे आसान तरीका तो ये है कि यही वाली वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकते हैं या फिर ये किताब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वो लोग जो पेन में है, चाहे वो कैंसर के पेन में है या डायलिसिस की वजह से पेन में है, या जिन्हें लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, या जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो बीपी की गोलियां खा रहे हैं, ये सारे दर्द आप कम कर सकते हैं अगर ये नया खोज उन तक पहुंच जाए। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि ये खोज लोगों तक पहुंचे। एक ऐसी इंडस्ट्री जिनका धंधा ही चलता है किसी के रोज डायलिसिस जाने पर, किसी के किडनी ट्रांसप्लांट करने पर, ढेर सारी दवाइयाँ बिकने पर। सो That may be the reason कि आज मैं इतने परेशानी में हूँ, घिरा हुआ हूँ, लेकिन आप मेरा मकसद को पूरा कर सकते हैं इस खोज को लोगों तक पहुँचा के। अगर थोड़ा टाइम आपके पास है तो आप ईमेल लिखिए ऐसे लोगों को जो इन्फ्लुएंशियल है, CM है या फिर DM है या हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, जिन्हें भी आप लगता है कि जो कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो आगे तक पहुंचा सकते हैं इस खोज को, उनको आप लिखिए, या फिर आप छोटे मोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताइए कि पेन में रहने की आवश्यकता नहीं है, दर्द के बावजूद भी रहने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, एक बहुत ही सस्ता घर में ही करने वाला सिस्टम है जिसके माध्यम से आप पेन फ्री हो सकते हैं, पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया तो आप समझ लीजिए कि आपने मेरी मदद की। तो अभी तक जो हमने काम किया आपके साथ मिलके, DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल, पोस्टुरल मेडिसिन, इन सब से लगभग हर तरह के जो क्रॉनिक इलनेस है उनको हमने एड्रेस किया। अब हमारी इच्छा है कि क्रॉनिक के साथ साथ कोई इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन अगर आपके सामने हो जाए तो उस वक्त आप क्या करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उस वक्त की छोटी मोटी ट्रेनिंग आपके पास अगर हो तो आप कॉन्फिडेंट होंगे किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में, किसी भी मेडिकल सिचुएशन को हैंडल करने में, एटलीस्ट जब तक कि एक्चुअल हेल्प आप तक नहीं पहुंच जाती, एक्चुअल एम्बुलेंस वगैरह नहीं पहुंच जाता। सो उसके लिए हम लॉन्च करेंगे आने वाले दिन में POEM, दैट इज़ प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, और इसके माध्यम से बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशंस जब आपके हाथ पर फूलने लगते हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा,
और उस वक्त आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये हम लॉन्च करेंगे सुभाष चंद्र बोस जयंती, दैट इज 23rd of January 12 noon सिर्फ और सिर्फ coronakaal.tv में। तो उम्मीद करते हैं कि हम मिलेंगे 12 बजे coronakaal.tv में 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती में। और हाँ, जाने से पहले आगे देखिए, मैं मिलवाना चाहता हूँ दो लोगों से, एक तो प्रवीण जो तेलंगाना के हैं और दूसरा दिग्विजय जो देहरादून के हैं। उनकी कहानी ज़रूर देखिएगा, दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग, और वो आपको इंस्पायर करेगी कुछ करने के लिए। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय सिंह देवभूमि देहरादून उत्तराखंड से हूँ। मैं LIC में जॉब करता हूँ, LIC में मैं असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर हूँ, मैनेजर IT। दोस्तों, मैं 2019 से किडनी पेशेंट हूँ, क्रॉनिक, डॉक्टर ने बताया क्रॉनिक किडनी डिसीज CKD, और 20 साल से मैं शुगर का पेशेंट हूँ। शुगर के कारण मेरी किडनी खराब हुई, किडनी के कारण मुझे BP भी हुआ, और अब मैं बहुत परेशान था, हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के परेशान हो गया। देहरादून के जितने हॉस्पिटल थे, सरकारी और प्राइवेट, सब में मैंने चक्कर काटा। एम्स ऋषिकेश मैंने चक्कर काटा, किसी ने कानपुर बताया, वहाँ भी गया मैं, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज भी गया, और भी डॉक्टर हैं प्राइवेट जो नामी ग्रामी हैं उनके पास भी गया, जिसने जहाँ बताया वहाँ गया। साथियों, अगर आप भी किडनी पेशेंट हैं या शुगर के मरीज हैं या आपको BP है, तो आप जो मैं टेक्निक अपना रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी फायदा होगा। डॉक्टरों ने, सभी डॉक्टरों ने मुझे, सभी मेडिकल कॉलेजों ने जहाँ जहाँ गया, एम्स ने भी मुझे किडनी ट्रांसप्लांट की बात कही। मेरी मिसेज ने अपनी किडनी को चेक भी कराया, मेरी किडनी भी चेक हुई ट्रामा सेंटर में वहाँ, और डॉक्टरों ने कहा आपकी मिसेज की किडनी आपकी किडनी से मैच नहीं करती है, आपका ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं करता है, इसलिए इनकी किडनी आपको सूट नहीं करेगी, कहीं और से किडनी लीजिए। मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो घर वाले हैं, कुटुंब के लोग हैं, वे सारे के सारे लोग किडनी ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच में मुझे पता चला कि मुझे इनकी वीडियो देखी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की मैंने वीडियो देखी। वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों के जो नीम हकीम और दिल्ली में बहुत सारे वो करते हैं कि हम किडनी ठीक कर देते हैं, उन सब को मैंने फॉलो करने की कोशिश किया, बहुत पैसा बर्बाद किया, लेकिन जब मैं इनके पास आया, इनकी टेक्निक को सुना, तो मैंने कहा ये भी आजमा लेते हैं। मुझे मेरा बेटा जो BTEC कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, मेरी मिसेज जो सेंट्रल स्कूल में टीचर हैं, वो अपनी छुट्टी ले लेके मुझे हर अस्पताल में अपनी छुट्टी लेकर वो भी दौड़ रहे हैं। मेरा बेटा भी अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरी हेल्थ में चिंतित है, और दोस्तों मैं भी खुद परेशान था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कभी किसी चीज़ से घबराता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीमारी आई है तो कोई ना कोई इसका समाधान भी होगा। डॉक्टर विश्वरूप सर का ये टेक्निक आप कितने दिनों से कर रहे हैं? मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी साहब का टेक्निक मैं 24 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ, मैं यहाँ 22 तारीख को आ गया था, लेकिन यहाँ बेड खाली नहीं थे। इसलिए कितना दिन हुआ ये हॉट वाटर थेरेपी लेने से? ये 24 तारीख से मैं थेरेपी ले रहा हूँ, जितनी थेरेपी है सब ले रहा हूँ। मेरी वोमिटिंग रुक गई, मेरा पेशाब रुक गया था, वो यूरिनेशन होने लगा। टोटल 7 डेज आपने लिया यहाँ पे? 24 से जितने दिन हुए हो सर, आज 29 है, कितने दिन? 7 दिन हो गए, 5 दिन, 24 तारीख से, 24/12/2021 से आज 29/12/2021 है, मुझे 1 लीटर यूरिनेशन होने लगा है। कल 900 ml था, आज 1 लीटर पूरा था, क्योंकि यहाँ यूरिन को भी नपवाते हैं कितना हुआ, और इनटेक भी कहते हैं कि कितना हुआ, नाप के पानी देते हैं। तो आपके जैसा ही किडनी पेशेंट और अगर पूरे देश में है तो दोस्तों यहाँ पे कितने दिन, मैं अपनी भाषा में कहूँगा, आपके जैसे ही किडनी पेशेंट पूरे देश में भरे पड़े हैं, अगर उनको इसी तरह का राहत मिले तो कितने दिन हॉट वाटर थेरेपी यहाँ हिम्स में आके, डेराबस्सी में, चंडीगढ़ में आके अगर करे तो कितने दिन में उनको राहत मिल जाएगी? दोस्तों, आप भी दुखी आत्मा है, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा अपनी भाषा में, कि अगर आप भी दुखी आत्मा है मेरी तरह, तो आप यहाँ जरूर आए, सबको आजमाया होगा, एक बार यहाँ पर आ जाए, चंडीगढ़ डेराबस्सी आ जाए इनके हिम्स में, और यहाँ आप 1 हफ्ते कम से कम थेरेपी लें, 1 हफ्ते ट्रीटमेंट करावें। मेरी गोलियां सब छूट गई हैं, 1-2 दिन तो शुरू में गोलियां ली थी,
लेकिन अपने आप बॉडी जैसे रिस्पॉन्ड करने लगी, हम धीरे धीरे गोलियां छोड़ने लगे। और आज पांचवा दिन है, मैंने ना बीपी की गोली ली है ना शुगर की गोली ली है। हाय, मेरा नाम प्रवीण है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं एक IGA नेफ्रोपैथी CKD स्टेज 5 का पेशेंट हूँ। लास्ट ईयर January 5th को मेरा डायग्नोज हुआ था कि मुझे IGA नेफ्रोपैथी है और CKD स्टेज 5 है। डॉक्टर ने बता दिया था कि ट्रांसप्लांट को जाना पड़ेगा। और लास्ट 1 ईयर से मैं डायलिसिस पे हूँ, वीकली ट्वाइस जाता हूँ डायलिसिस। मैं अदर मेडिसिन भी ट्राई करता हूँ, यूनानी और आयुर्वेदिक। रिसेंटली बिश्वरूप चौधरी सर का ट्रीटमेंट के बारे में पता चला, मैं उनके टीम को अप्रोच हुआ, वो लोगों ने मुझे डाइट और थेरेपी दिया। जब से मैंने उनका डाइट स्टार्ट किया, मेरा वेट गेन रुक गया है। इससे पहले मेरा डायलिसिस टू डायलिसिस मेरा वेट गेन होता था ऑलमोस्ट 1.5 kg to 2 kg, अभी वो वेट जीरो है या कम है। और मेरा यूरिन आउटपुट मोर देन 1.2 लीटर्स है अभी ऑन अ डेली बेसिस। एंड मेरा ब्रेथलेसनेस कम हुआ, मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है विदाउट एनी इंजेक्शन और विदाउट एनी अदर मेडिकेशन। सर ने मुझे हेड टिल्ट थेरेपी और हॉट वाटर थेरेपी दोनों बताए। अभी मेरा बात तक नहीं आया है, तो मैं करंटली ओनली हेड टिल्ट थेरेपी कर रहा हूँ। ये मेरा हेड टिल्ट थेरेपी का सेटअप है। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्टुरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।